एनसीसी भर्ती परीक्षा 2023 क्विज टेस्ट फर्स्ट, कौन बनेगा आज का विनर और विनर वही होगा जिनका 20 में 20 क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और एक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 10 सेकंड मिलेगा, जो कि बहुत ही कम टाइम है। तो लिमिट टाइम में आप आंसर बताएंगे। आपका टेस्ट 5 से 7 मिनट का होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। डेली आप टेस्ट देंगे सुबह में 7 बजे फिर 8 बजे क्लास होगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर आपको सारा डाटा मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और डेली सुबह में 8 बजे क्लास होती है, शाम में 8 बजे लाइव क्लास, दोनों टाइम क्लास कीजिएगा। जिनका फर्स्ट क्लास है या फिर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 16 जुलाई 1948 को, बी 16 अप्रैल 1948 को, सी 15 जुलाई 1948 या फिर 15 अप्रैल 1948। टाइम शुरू हो चुका है और आपका टाइम इधर कॉर्नर में चल रहा है, ठीक है। और एनसीसी न्यू भर्ती का मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है, इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लो। चलो टाइम अप। एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी, ऑप्शन ए होगा। टाइम देख रहे 10 सेकंड, देखते देखते बीत जाएगा, तो जल्दी बताना है आंसर। सेकंड, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश या फिर डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है। टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में है, जल्दी गुड जोश। चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, BOI का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर डी बैंकर्स ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ BOI क्या होता है? और टेस्ट पूरा देना, ठीक है। 20 क्वेश्चन, मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा, जल्दी चलिए टाइम अप। तो BOI का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीता है? ऑप्शन है भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। टाइम शुरू हो चुका है। कैसा लग रहा, मजा आ रहा है कि नहीं? इसमें इसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको 10 सेकंड मिल रहा है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, कम टाइमिंग मिल रहा है, फास्ट एग्जाम में बहुत फायदा देगा। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ऑप्शन बी वाले सही है। फिफ्थ, एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन है शांति और सत्य, बी एकता और अनुशासन, सी अहिंसा और धर्म या फिर एकता और सत्य। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, क्या होगा फिफ्थ का? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, चलिए टाइम अप। एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, बी 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, सी 13 अप्रैल 1920 को अमृतसर में या फिर 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। टाइम शुरू हो चुका है। बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी सोचने का, ऑप्शन देखो फटाक से आंसर, 10 सेकंड ही है जो आपका इधर चल रहा, गुड जोश। चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। नेक्स्ट 7, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है श्री रामनाथ कोविंद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम शुरू हो चुका है। जो बंदा अभी इस क्विज टेस्ट में डेली 20 में 20 सही करेगा, लिमिट टाइम है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कोई नहीं रोकेगा, चलो जल्दी टाइम अप। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डी वाले सही है। पूरा टेस्ट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका। विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, क्या होगा? आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं, जल्दी चलो टाइम अप। सबसे छोटा रैंक आर्मी का सिपाही यानी सोल्जर का होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 9, KAB का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए नो अबाउट बिजनेस, बी नोन अबाउट बिजनेस, सी नो अबाउट बिजनेस स्टडी या फिर डी नो अकॉर्डिंग बिजनेस। टाइम शुरू हो चुका, चलिए जल्दी, तेज रफ्तार होना चाहिए। जो भी मेरे बंदे 100% रिजल्ट इस बार में, ठीक है, पिछले साल 100% था रिजल्ट एनसीसी भर्ती 2022 में। चलो टाइम अप। तो KAB का फुल फॉर्म
नो अबाउट बिजनेस होता है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर टेन, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। ऑप्शन है कैप्टन, बी सिपाही, सी फील्ड मार्शल या फिर डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? चलिए फास्ट, गुड जोश, क्या होगा? चलो टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनरल। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गोवा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी सिक्किम। टाइम शुरू हो चुका। विच स्टेट हैविंग मिनिमम पॉपुलेशन? जल्दी, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या सिक्किम। गुड जोश, कौन है टाइगर? चलिए टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई या फिर दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका। जनसंख्या में पूछा है सबसे बड़ा राज्य, मतलब किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? चलो जल्दी टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। 13, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1932 में, बी 1942 में, सी 1952 में या फिर 1962 में। टाइम शुरू हो चुका। यानी इंडियन एयरफोर्स कब अस्तित्व में आया, एस्टेब्लिश? एयरफोर्स का पूछ रहा है, एनसीसी का नहीं, ध्यान रहे। अरे बढ़िया, गुड जोश, चलो टाइम अप। तो वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है 78 बार, बी 72 बार, सी 70 बार या फिर डी 75 बार। टाइम शुरू हो चुका। यानी किसी भी हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? जल्दी, गुड जोश, चलो टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसरो का पूरा नाम लिखे। ऑप्शन है इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ इसरो, टेस्ट पूरा देना, ठीक है? 20 का 20 क्वेश्चन डेली सुबह में 7 बजे, टाइम से, जिनका स्कूल कॉलेज होगा आप आके देंगे घर से। टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 24 जुलाई को, सी 26 जुलाई को या फिर 26 दिसंबर को। टाइम शुरू हो चुका। व्हेन वी सेलिब्रेट कारगिल विक्ट्री डे, क्या होगा? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये सब, जल्दी चलो टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जुलाई को। नेक्स्ट 17, हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन 80%, बी 50%, सी 60% या फिर 70%। टाइम शुरू हो चुका। हमारे शरीर में जल कितने प्रतिशत होता है, मतलब वाटर का अमाउंट हमारे बॉडी में कितना है? जल्दी चलो टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 70%। नेक्स्ट 18, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है नेशनल क्रेडिट कोर, बी नेशनल कैडेट कोर, सी नेशनल कैडेट कोर या फिर नॉन कैडेट कोर। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी क्या होता है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग, फास्ट, गुड जोश, चलिए टाइम अप। एनसीसी का फुल फॉर्म, स्पेलिंग याद रखना, नेशनल कैडेट कोर, सी वाले सही है। नेक्स्ट 19, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। ऑप्शन है बेरी बेरी, बी अश्कर्वी, सी रेबीज या फिर डी प्लेग। टाइम शुरू हो चुका। ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, ठीक है, मिस्टेक हो गया। व्हिच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी? बढ़िया, टॉप 5, चलिए टाइम अप, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अश्कर्वी होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है रेबीज, बी अश्कर्वी, सी सूखा रोग या फिर डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका। विच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, क्या होगा? टाइम इधर चल रहा, फास्ट और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किया। चलिए टाइम अप, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूखा रोग। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं विनर कौन कौन है, 20 में 20 किसका सही है, विल लिमिट टाइम में, एक अटेम्प्ट में। तो डेली आप सुबह में 7 बजे क्विज टेस्ट देंगे, ठीक है, और जिनका स्कूल कॉलेज है उनको बता देंगे आप कि स्कूल कॉलेज से आने के बाद टेस्ट देना है।
और सुबह में 8 बजे शाम में 8 बजे लाइव क्लास। प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे सारे मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ के आना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट कल सुबह में 7 बजे होगा क्विज टेस्ट 2, तो तैयारी में रहना ठीक है। लिमिट टाइम में बताना, 10 सेकंड मिलेगा टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम है। 10 सेकंड में आप आंसर बता रहे थे मतलब आप परफेक्ट हो। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।